कुलपति डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर योगेश त्यागी जी, गुरवीर सिंह जी, हमारे मिश्रा जी उपस्थित मंच पर जो बैठे, सम्मानित हमारे महानुभाव और सभागार में उपस्थित ब्रह्म समाज के सम्मानित बुजुर्ग साथियों, सर्वप्रथम तो मैं ब्रह्म समाज को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये तो ऐसा समाज है जो हर क्षेत्र में दिशा देने वाला है। दिमाग में तो दहशत इस समय मुझे अगले कार्यक्रम की है, साढ़े नौ बजे से मेरे कार्यक्रम सोनीपत से नीचे गोरीपुर चेक पोस्ट पे उसमें लगे हैं। केपी मलिक मंत्री जी वहाँ रंच में गए और अभी पांचवी में भी जाना है। अभी चुनाव का समय है, जो कार्यक्रम लगाने वाले हैं उन्होंने मेरा कार्यक्रम पांचवी से जो जहां मुझे पहुंचना सोनीपत के पास यहाँ 10 बजे बता रखा है, वहाँ 10:30 बता रखा है। और जब 10:30 से चलूंगा, 10:30 से जहाँ चलूंगा वहां से वो कौन ही प्यारे बता रखा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि नहीं दी मतलब वायुमंडल में चलूंगा। देखो मैं एक निवेदन करना है, एनडीए प्रत्याशी के तौर पर मुझे चौधरी साहब ने भेजा है, जयंत जी ने बागपत लोकसभा से। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं बागपत लोकसभा से कभी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, कभी ख्याल ही नहीं था दिमाग। ये ख्याल जरूर रहता है कि सिवान खास में हमारा आना है, जाना है, संबंध है, मित्रता है, परिवार है, यहाँ जरूर मन में ये रहता था कि इतना आशीर्वाद प्यार मेरे साथ है, किसी संवैधानिक पद के साथ सेवा करने का ज्यादा अवसर मिले तो मुझे अच्छा लगे। लेकिन जो फैसला हुआ ऐसे समय पर हुआ जिस समय देश का नेतृत्व ऐसे मुखिया के पास है जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश को गौरव बढ़ाने का काम किया, वो प्रदेश का नेतृत्व ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के पास है जिन्होंने प्रदेश को अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करके विकासशील प्रदेश बनाने का काम किया। ये मेरा सौभाग्य कि मेरे नेता ने ऐसे समय में मुझे मौका दिया कि हिंदुस्तान के लोग संसद में नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के सानिध्य में बैठकर काम सीखने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो ये चुनाव जो है ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, ये चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास है भारत को विश्वगुरु बनाने का, भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था बने, ये जो प्रयास है ये चुनाव उसके लिए तीसरे कार्यकाल के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया, देश के खातिर, राष्ट्र के खातिर, राष्ट्र के खातिर। देखो अगर चुनाव चल रहा है, मुझे रोज 2-3 दिन से लोग फोन कर करके डरा रहे हैं, फोन डरा रहे हैं, बोले कि सेवान खास में फलाना चला गया, उधर फलाना उधर चला गया, फलाना उधर चला गया। अब मैं सुनता भी हूँ, मैं सोचता भी हूँ कि मेरा 40 साल से परिवार का रहता है, समाज कोई घर ऐसा नहीं, मैं तो अपना मानता हूँ और अपने समझ के साथ में रहता हूँ, साथ आता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, लिखता हूँ, कभी किसी भाषण को बताने का काम भी नहीं करता। मैंने कहा तो डरा है मुझे, हो सकता है मुझे तो प्यार है, भरोसा है मेरे में, हो सकता है कि मुझसे किसी को दिक्कत हो या जिसके लिए मुझे डरा रहे वहां ज्यादा बेहतरी लगती हो, उसमें मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं, तो उनका डर मुझे बस ये तकलीफ होती है, वो डराते हैं। मैं सोचता हूँ कि मुझसे कौन सी ऐसी कमी रही होगी इस बीच में 40 साल में कि मैंने किसी परिवार का दिल दुखाया हो, उनकी भावना को चोट पहुंचाई हो,
या जो दूसरे आने वाले लोग हैं जिनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, उनसे क्या मुहबत रहेगी, क्या उनका साथ रहा हो कभी सुख में दुख में आने का आने का जाने का, अगर रिश्ते रहे होंगे तो बात दूसरी है। लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा रहता है, वह भरोसा है कि मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद उन परिवारों से कम होने वाला नहीं है। मुझे तो पूरा प्यार मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा, मुझे तो भरोसा है। कहने वाले अपनी बात कहेंगे, धरा है सारी बातें। और मैं तो भरोसा आपको दिला रहा हूं, मैं तो आपका अपना हूं। ये बड़ी जिम्मेदारी चौधरी साहब ने मुझे दी है और ये मेरे जीवन की परीक्षा भी है कि जो आचरण, जो मेरा जीवन, जो मेरा व्यवहार अब तक रहा है, इस बड़े पद के साथ मैं उससे भी बेहतर बनाऊं अपने आप को, उससे अच्छा बनाऊं, उससे सरल बनाऊं, उसके मैं आशीर्वाद मांगना। अब तो जो ईवीएम मशीन है हर बूथ का, हर गांव का सब डाटा आता है। और मुझे जितना घमंड, मुझे भरोसा, आत्मविश्वास मुझे जितना सिवाल खास पर है, मैं तो कहता हूँ मतलब भाषण में कहता कि मैं सिवाल खास पर लाल हूँ, मैं ये कहता हूँ सिवाल खास पर लाल हूँ। वहां का एक एक परिवार, एक घर, हर जाति धर्म मजहब का वो मुझसे प्यार करता, मेरे चुनाव को खुद लड़ रहे हो, मैं आप जाकर उनसे उनको सीख लो लड़ाने का चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैं तो कहता हूँ सब जगह भाषण में कहता हूँ। अब एक्चुअली मुझे तो चिंता अगले कार्यक्रम की सदा ये बात भी जाना, आदित्य भाई बैठे हैं अच्छे अच्छे लोग, और मैं जब घरों में जाता हूँ, किसी भी घर में जाता हूँ, मैं अधिकार के साथ जाता हूँ घरों में, मेरा वो रिश्ता है। पूरे उस रिश्ते में कोई कमी तो नहीं आएगी, आएगी। मैंने कभी जीवन में मुझसे सब परिचित हैं। नरेंद्र शर्मा जी मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह, बहुत अच्छे भाई की तरह हैं। जब ये पढ़ाई उन्होंने हायर एजुकेशन शुरू की तब से मेरे भाई हैं। और अब क्योंकि इनकी रिश्तेदारी यहाँ है, जब मुझे पहले चला पता, भाई पता तो मुझे था, तो मैंने कहा मामा भाई मैं तो नरेंद्र की उधर उस पक्ष में रहना भी जरा है, मेरा घर तो वो है, आप घर के काम करो, लेकिन मेरा घर वो है। मैं नरेंद्र को हमेशा वही कहता हूँ, तुम भाई हो वो रिश्ता अलग है, लेकिन मैं माँ का भाई हूँ, मेरा परिवार, मैं तो कोई संबंध मानूंगा, कोई रिश्ता मानूंगा, क्योंकि मिश्रा जी आज नहीं है हमारे बीच में, इतना इसने हमसे था। जब वो बीमार थे उन तक देखने उनको जाता था, जब वो बीमार थे कम लोगों से मिलते थे, मैं अनुरोध करके उनको देखना, उनका हाल चाल पूछने गया भी हूँ। आज हमारे बीच नहीं अगर होते तो बेहद खुश होते, उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिलता, बहुत प्यार मिलता। लेकिन जहाँ है वो मुझे वहीं से आशीर्वाद दे रहे होंगे, जितने मेरा घर परिवार है सब लोग जुड़े हैं, समाज के लिए बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ किया समाज के लिए, सबको जोड़ के रखने का काम किया। तो डोरीलाल जी बैठे, मैं तो सदैव करके मिलते, मैं तो उनके सदैव चरणों में उनको देखा, मैं उनके चरण उनके लेता हूँ। उधर हमारे कौशिक साहब बैठे, मेरे कौशिक जी पीछे बैठे डालमपुर, नहीं जी वो पहले दिन से प्रयास लग रहे हैं, आदेश भाई हैं हमारे, बिल्कुल अच्छे भाइयों में से हैं। मैं तो मतलब मेरे सारे ऐसे परिवार हैं, मैं तो यही नहीं लगता, मतलब जिस घर में घुसता हूँ ऐसा लगता है मेरा घर है, मेरा परिवार है, सारे एक सदस्य मेरा है। तो इसी भरोसे के साथ मैं तो चुनाव लड़ता हूँ, आपके बलबूते लड़ता हूँ, आपके भरोसे लड़ता हूँ। सारे विधानसभा में कहता हूँ कि मैं सिवाल खास का हूँ, और वहाँ मेरा घर है, मेरा परिवार है। आप मुझ पर कृपा बने, मुझे ये मौका मिला, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो जरा सा भी नाराज हुआ इस चुनाव में मुझसे, भूल से, चूक में, रिश्तों में, नातों में, किसी भी वजह से, वो मुझे ये नहीं सोचो, ये सोचो कि वो दोबारा मुझे मेरे लिए प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि मुझे यही मौका मिला। वो टीम के लिए तो हो जाता है कि आपके नाराज हो जाओ, है ना, अगली बार इसके साथ हो जाएंगे, जब मुझे मौका ये मिला है आगे मुझे लोकसभा के बाद मुझे कोई विधानसभा थोड़ी ला रहा आपने, एक मौका दे दिया जीवन में, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मौका दे दिया, बड़ा दे दिया। मैं आपको एक ही भरोसा दिला रहा हूँ, मेरे यहाँ न जाति है, न धर्म है, न मजहब, और न पक्षपात, न भेदभाव,
और मेरे मन में जहन में है मुझे करना क्या, कैसे करना है। मैं सांसद वाली कलम अपने हाथ में नहीं रखूंगा, मैं आपको सौंप दूंगा, काम करने का अधिकार भी आपको जाएगा।